दुनिया में देखिए मुश्किल में यमन के लोगों की जिंदगी। सालों से जंग का सामना कर रहे यमन पर मंडराता अकाल का खतरा। संयुक्त राष्ट्र ने कहा आम लोगों को बचाना जरूरी। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। यमन संकट के अलावा कार्यक्रम में आज रोहिंग्या के बाद अब म्यांमार छोड़कर बौद्ध अराकान भागे, सेना पर फिर लगे हिंसा के आरोप। दिखाएंगे क्यों राजस्थान के एक गांव में सदियों से कोई पक्का घर नहीं बनाता। और पाकिस्तान में ट्रकों पर कलाकारी के जरिए चलाया जा रहा है लड़कियों की तालीम और जागरूकता का अभियान। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा आज बीबीसी दुनिया में। और सबसे पहले बात मध्य पूर्व के देश यमन की, जहां सालों से युद्ध चल रहा है जिससे ये देश भूखमरी की कगार पर है। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र ने लड़ाई में शामिल सभी पक्षों से अपील की है कि वहां के आम लोगों को बचाने की हर संभव कोशिश की जाए। बीते शनिवार को ही वहां एक शरणार्थी शिविर पर हमला हो गया जिसमें 8 लोग मारे गए। यमन मध्य पूर्व के सबसे गरीब देशों में से एक माना जाता है। सऊदी अरब की सीमा से सटे इस देश में साल 2014 से युद्ध चल रहा है और तभी से शुरू हो गई है इसकी बर्बादी की दास्तान। साल 2011 में अरब क्रांति के दौरान वहां तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह को सत्ता छोड़नी पड़ी और यमन की कमान उनके उपराष्ट्रपति अब्द रबू मंसूर हादी के हाथ में आ गई। तभी से दोनों के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। पूर्व राष्ट्रपति को अल्पसंख्यक शिया बहुल हूती विद्रोहियों का साथ मिल गया। शिया बहुल ईरान पर हूती विद्रोहियों का साथ देने का आरोप लगाते हुए साल 2015 में सऊदी अरब भी इस युद्ध में शामिल हो गया। पर 4 साल से चल रही इस लड़ाई ने यमन को लगभग तबाह कर दिया है। इसमें अब तक 10,000 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा 84 लाख लोग तो भूखमरी का शिकार हो गए हैं, जिनमें से 4 लाख तो सिर्फ बच्चे हैं जिनकी उम्र भी 5 साल से कम है। 75% आबादी को मानवीय मदद की जरूरत है वहां। देखिए बीबीसी संवाददाता लीज डुसेट की ये खास रिपोर्ट, जिसकी कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। सऊदी की नेतृत्व वाले गठबंधन सेना लाल सागर से होते हुए यमन के हुदैदा बंदरगाह की ओर बढ़ रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। लाल सागर के पूर्वी छोर वाले इलाके पर यमन की सेना और उसके स्थानीय सहयोगियों का कब्जा है। दिसंबर के महीने में जब सीज फायर का ऐलान हुआ था, तब यमनी सेना और सऊदी के सहयोगी सैनिक यहीं रुक गए। हूथी विद्रोही भी यहां से थोड़ी ही दूर हैं और 1 मील के दायरे में ही संयुक्त राष्ट्र की एक टीम भी है जो इस युद्ध विराम की निगरानी कर रही है। पर यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। सालों से चल रहे युद्ध की वजह से ये देश भूखमरी की चपेट में है। ऐसे हालात में ये गेहूं बड़ा कीमती था, जिससे लगभग 40 लाख लोगों की भूख मिट सकती थी। इसे संयुक्त राष्ट्र की मदद से जमा किया गया था, पर हमारे जाते ही यहाँ एक मोर्टार गिरा और सब कुछ जलकर खाक हो गया। यमन के लड़ाकों ने इसके लिए हूथी विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही हमें तस्वीरों के जरिए ये भी दिखाया गया कि हूथी विद्रोहियों ने हुदैदा बंदरगाह के पास नाकेबंदी कर दी है। इधर गठबंधन सेना भी अपने सैनिकों और साजो सामान के साथ तैयार हो रही थी, ताकि शांति समझौता टूटने पर वो फिर से हमला करने के लिए तैयार रह सके। गठबंधन सेना की तैयारी है कि यहाँ सेना की संख्या अच्छी खासी हो, ताकि वो हूथी विद्रोहियों को काबू में कर सके। हमने सैनिक नहीं बढ़ाए हैं, पर हूथी अगर सीज फायर तोड़ते हैं तो हमारी इंटेलिजेंस हमें जानकारी दे देती है। अभी भी कई जिंदगियां इस युद्ध की भेंट चढ़ रही हैं। मरीजों की संख्या कम हुई है, पर दर्द कम नहीं हुआ है। 20 साल की हायद अपने घर में ही थी, तभी गोली उनके सिर को छूते हुए निकल गई। इससे उनकी जान भी जा सकती थी। मेरे बच्चे डरे हुए हैं। लड़ाई हमारे घर के भीतर तक पहुंच गई है। हम युद्ध के बीच जी रहे हैं। क्या युद्ध विराम लागू नहीं हुआ? नहीं। युद्ध के दौरान दिल मजबूत करना होता है।
सिर्फ सैन्य कार्रवाई से ही हल निकलेगा, शांति समझौता नाकाम हो गया है। ये 6 महीने की अदुवा है जिसके नाम का मतलब है रोशनी, पर उसकी आंखों में रोशनी ना के बराबर है। इन्फेक्शन में उसकी एक आंख चली गई और वो कुपोषण की शिकार भी है। उसकी जिंदगी यमन के हालात जैसी हो गई है, जिसे शांति का इंतजार है। म्यांमार के रखाइन प्रांत में एक बार फिर हिंसा की खबर आई है, लेकिन इस बार निशाने पर वहां का बौद्ध अराकान समुदाय है। रखाइन में रोहिंग्या, अराकान और कई अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, जो वहां जारी सांप्रदायिक तनाव और लड़ाई की वजह से वहां से पलायन कर रहे हैं। देखिए म्यांमार से निक बीक की रिपोर्ट। एक बार फिर म्यांमार में लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। बच्चों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है। ये वही जगह है जहां 18 महीने पहले म्यांमार सेना की क्रूर कार्रवाई से जान बचाकर हजारों रोहिंग्या भागे थे, पर इस बार उनकी जगह एक दूसरा नस्लीय समुदाय है जो रखाइन प्रांत में हो रही सैन्य कार्रवाई से बचकर भाग रहा है। जो विन बताते हैं कि वो उस वक्त सो रहे थे जब अचानक गोलियों की आवाज आई। वे उठे और जिन कपड़ों में थे उसी में भाग पड़े। उनके पास फोन लेने तक का समय नहीं था। ये लोग मुख्यतः बौद्ध हैं। उन्हें नहीं पता कि अब कब वे अपने घर वापस जा पाएंगे। उनका म्यांमार अब बंट चुका है। वहीं दूसरी ओर रखाइन में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को कहीं जाने नहीं दिया जा रहा। सरकार उन्हें ना तो कहीं जाने दे रही है और ना ही शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं ही। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का कहना है कि ऐसे हालात में सरहद पार बांग्लादेश में रह रहे लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों की घर वापसी संभव नहीं लगती है। इस इलाके का जायजा लेने के बाद एक बात समझ में आती है कि म्यांमार के अधिकारी रोहिंग्या मुसलमानों की म्यांमार वापसी के लिए गंभीर नहीं है। म्यांमार के सुरक्षा कर्मी लोगों को अब भी डरा धमका रहे हैं। म्यांमार ने दूसरे देशों पर रोहिंग्या लोगों के मसले में हस्तक्षेप और उसे गलत समझने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि वो रोहिंग्या मुसलमानों को वापस लाने के लिए तैयार है, पर आंग सान सू ची की सरकार ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। दबाव बनाया जा रहा है कि म्यांमार सेना के आला अफसर जनसंहार के मुकदमों का सामना करें, पर इस सबके बीच रोहिंग्या मुसलमान और दूसरे जातीय समुदायों पर अत्याचार अभी भी जारी है। और भारत के राज्य राजस्थान में अजमेर के निकट एक ऐसा गांव है जहां सदियों से कोई पक्का मकान ही नहीं बना। देवमाली नाम के इस गांव के बाशिंदों का मानना है कि इस गांव में जो भी पक्का घर बनाएगा उसे मुसीबतों का सामना करना होगा। देखिए बीबीसी संवाददाता शकील अख्तर की यह रिपोर्ट। पहाड़ियों और चरागाहों के बीच बसा हुआ देवमाली गांव, यहां के सभी घर कच्चे बने हुए हैं। यहां सदियों से पक्के मकान नहीं बने हैं। देवमाली के बाशिंदे भगवान देवनारायण की पूजा करते हैं। उनका कहना है कि सदियों पहले भगवान ने उनके पुरखों को पक्का घर बनाने से मना किया था। हमारे भगवान देवनाथ जी मिले, उनसे कहा कि एक तो कच्चे मकान रहना, पक्के मकान मतलब बनाना। कच्चे मकान में शुद्धता होती है, इसी तरह मतलब हमारे यहाँ पर हम मेले में कच्चे मकान बनाए तो हम यहाँ पर गाय के गोबर से पीली मिट्टी से नीपते इनको, तो इससे मेरे भगवान का भी शुद्धता होती है। इसे लगभग 200 घरों वाले गुजरों के इस गांव का जीवन पुराने ढंग का है। लोगों की रोजी रोटी का साधन दूध और खेती है। गांव में केवल मंदिर और पंचायत जैसी कुछ इमारतें ही पक्की बनी हुई हैं। लोगों को यह अंधविश्वास है कि चूने ईंट और सीमेंट का घर बनाने से उन पर भगवान का प्रकोप पड़ेगा। सोना का मकान बनाया दो, जो बड़े भाई ने पक्का मकान बना लिया था, उसकी बीवी की आंखें चली गईं, उसने भगवान से माफ़ी मांगी और घर तोड़ने का वादा किया, लेकिन घर नहीं तोड़ा। कुछ दिनों बाद वो खुद बीमार हुआ और मर गया। नई पीढ़ी के लोग जो पढ़ लिख गए हैं वो भी अपने कच्चे मकान की परंपरा को तोड़ने से डरते हैं। मन तो करता है पर भगवान का दिया वरदान मानते हैं हम, तो सब कुछ भगवान पे निर्भर है। यहाँ के लोग अपने पुराने रीत रिवाजों और कच्चे मकानों के साथ खुश हैं। देवमाली गांव पूरी तरह ठहरा हुआ नजर आता है। गांव वालों का कहना है कि दुनिया कितनी ही आगे क्यों न चली गई हो, वो अपने मजहबी अकीदे और अपनी धार्मिक सोच में कोई तब्दीली नहीं चाहते। शकील अख्तर, बीबीसी न्यूज, देवमाली, राजस्थान। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की अनोखी मुहिम।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। ब्रितानी खिलाड़ी कॉर्नेलिया ने शारीरिक रूप से कम सक्षम सैनिकों के खेल इवेंटिस गेम्स में 2017 में दो मेडल हासिल किए। ये दोनों मेडल उन्होंने व्हीलचेयर टेनिस और गोल्फ में जीते। ब्रितानी सेना में अपनी सेवा के दौरान उन्हें गहरी चोट आई थी, ऐसे में उन्होंने एम्पुटेशन यानी कि पैर कटवाने का फैसला लिया। हालांकि इससे उन्हें अपने सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सका। कॉर्नेलिया वेस्टहेजन ने शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए होने वाले इनविक्टस गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। शरीर में होने वाले जबरदस्त दर्द की वजह से उन्हें सेना में अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी थी। मुझे इस बीमारी ने बेहद परेशान किया। कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम में शरीर के बहुत अंदर तक असहनीय दर्द होता है। ये बहुत पुरानी बीमारी है जो लगातार आपको कष्ट देती है और आप कुछ कर भी नहीं सकते। कॉर्नेलिया गहरी पशोपेश में थी, ये सोचकर कि क्या उन्हें अपने दाहिने पैर का वो हिस्सा शरीर से अलग कर देना चाहिए ताकि उनकी रोज रोज की तकलीफ एक बार में खत्म हो जाए। कॉर्नेलिया के ही जैसे इस बीमारी से उनके कुछ दोस्त भी जूझ रहे हैं, जिन्होंने रोज के दर्द से उबरने के लिए शरीर से उस अंग को ही दूर कर दिया। हालांकि कुछ के लिए ये असरदार भी रहा। वहीं कई मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि दर्द ठीक ना हो रहा हो तो ऐसा कर लेना चाहिए। मेरी समझ से दर्द होने वाले अंग को अलग कर देने से तकलीफ और बढ़ जाती है। CRPS में होने वाला दर्द शरीर के दूसरे अंगों में भी फैल जाता है। इन सभी चेतावनियों के बाद भी कॉर्नेलिया ने आखिर एम्प्यूटेशन कराने का फैसला लिया। इस प्रक्रिया में 2 दिन लग जाते हैं। पहले दिन शरीर से उस अंग को हटाया जाता है और दूसरे दिन जख्म को बंद करने के लिए टांके लगाए जाते हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं, मुझे दुआओं की सख्त जरूरत है। 5 हफ्ते हो गए हैं और कॉर्नेलिया धीरे धीरे इसकी आदत डाल रही हैं। और पैर हटवाने के बाद से कॉर्नेलिया का दर्द कम होने लगा है। In a weird way, थोड़ा अजीब जरूर लग रहा था, लेकिन पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। ऑपरेशन से पहले बहुत डरी हुई थी, लेकिन मेरे केस में ये काम कर गया। और अब तो उनके पास आराम का बिल्कुल भी समय नहीं। अगले महीने से उनके टेनिस टूर्नामेंट शुरू हो रहे हैं। और ट्रकों पर अक्सर आपको शेरो शायरी और फिल्म स्टार की तस्वीरें दिख जाती हैं। पाकिस्तान में भी ऐसी तस्वीरों से रंगे ट्रक नजर आते हैं। पर पाकिस्तान में ऐसी तस्वीरों वाले ट्रक दिख जाते हैं, लेकिन अब वहां की एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इन ट्रकों का इस्तेमाल एक खास संदेश के लिए किया है। वो इन पर लड़कियों की तालीम से लेकर गुमशुदा लड़कियों के विज्ञापन बनाकर लोगों में जागरूकता फैला रही हैं। समर मिनल्ला लोकल ड्राइवर्स को ट्रकों पर कलाकारी के लिए राजी करती हैं और इसके लिए वो कोई पैसे भी नहीं देती। देखिए पेशावर से बीबीसी संवाददाता शुमाला जाफरी की रिपोर्ट। अगर हम लॉन्ग लास्टिंग तब्दीली चाहते हैं, लोगों की सोच में तब्दीली चाहते हैं, तो हमें मैसेजेस मुख्तलिफ क्रिएटिव टूल्स के ज़रिए और मीडियम्स के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना होगा। और तब मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम ट्रक्स के ज़रिए इन मैसेजेस को पहुंचाएं। ट्रक जब एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है तो वो एक मूविंग बिलबोर्ड की तरह होता है। वो मैसेज बहुत सारे लोग देख पाते हैं। कोहिस्तान के इलाके में यूनेस्को की मदद से हमने लड़कियों की तालीम पे मैसेजेस किए, क्योंकि कोहिस्तान वो इलाका है जहाँ लड़कियों का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है। इसी तरह फिर हमने साउथ पंजाब में जो मैसेजेस किए वो भी लीगल राइट्स पे किए जो ख़वातीन से रिलेटेड हैं। जैसे हमने इनहेरिटेंस पे मैसेज किया। जो अभी नया प्रोजेक्ट है वो है जो गुमशुदा बच्चे हैं पूरे पाकिस्तान में, मिसिंग चिल्ड्रन। पोस्टर्स तो दुकानों के बाहर लगे होते हैं, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि अगर एक ट्रक इस मैसेज को लेके जाएगा तो हो सकता है कोई ना कोई उस बच्चे के बारे में कोई हमें इल्म दे सके, इन्फॉर्मेशन दे सके। और आगे देखेंगे नेपाल में हुए विमान हादसे की क्या वजह थी। देखेंगे आगे ग्लोबल राउंड अप।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह और अब वक्त है ग्लोबल राउंडअप का। और पहली खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपने ताज़ा टीवी संदेश में तालिबान से शांति वार्ता की ताज़ा अपील की है। उन्होंने ये अपील पिछले दिनों कतर में तालिबान के साथ हुई वार्ता के बाद की है। हालांकि तालिबान अब तक अफगान सरकार से सीधे बातचीत के लिए तैयार नहीं है। अब आगे क्या होगा इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं काबुल से बीबीसी पश्तो के संवाददाता नूरगुल शफक। यहाँ पे जो अब तक कई सालों में जो प्रोग्रेस हुआ है, इजहार राय की आज़ादी है, जो ह्यूमन राइट्स है, तो तालिबान के साथ अमन मुज़ाकिरात के कामयाब होने के बाद ये सब कुछ अपनी जगह पे बरकरार रह पाएगा या कि नहीं, तो ये अब तक लोगों के साथ एक खदशा है जो कि शायद वक्त के आने के बाद ही उसका जवाब मिले उनको। जांचकर्ताओं का कहना है कि पिछले साल मार्च में काठमांडू में दुर्घटनाग्रस्त हुए बांग्लादेश के विमान के कप्तान उस वक्त मानसिक तौर से परेशान थे। इसी वजह से वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के निर्देशों का पालन नहीं कर सके और यही विमान के क्रैश होने की वजह बना। इस हादसे में प्लेन हवाई अड्डे पर ही क्रैश हो गया जिससे 51 लोगों की मौत हो गई थी। ब्राजील में लौह अयस्क की एक खदान के पास मौजूद बांध टूटने से अब तक 58 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है जबकि 300 से ज्यादा लोगों का पता नहीं चल पाया है। बांध टूटने के बाद निकले मलबे ने इलाके के आसपास की इमारतों और घरों को तबाह कर दिया है। आर्थिक संकट से जूझ रहे वेनेजुएला में विपक्ष के नेता ख्वान ग्वाइदो ने राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को सत्ता से हटाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों की अपील की है। इसके बाद अमरीका ने भी मदुरो को चेतावनी देते हुए कहा कि अमरीकी राजनयिकों और विपक्षी नेता को किसी तरह से डराने धमकाने की कोशिश ना की जाए। और इसके अलावा खबरों में है इस तरह की जेनेटिकली मॉडिफाइड मुर्गियां। रिसर्चर्स की एक टीम ने जीन में फेरबदल कर ऐसी मुर्गियां तैयार की हैं जो ऐसे अंडे देंगी जिनमें कुछ कैंसर और गठिया जैसी गंभीर बीमारियों के लिए दवाइयां मिली होंगी और ये अंडे बाजार में इन बीमारियों के लिए मिलने वाली दवाइयों से 100 गुना ज्यादा किफायती भी होंगे। 14 देशों के विशेषज्ञों ने कहा है कि मोटापा, भूख और जलवायु परिवर्तन से होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। इन देशों में हुए रिसर्च से पता चला है कि लगभग 1 अरब लोग भूखमरी के शिकार थे, वहीं 2 अरब लोग गलत तरीके से खाना खा रहे थे। और अब कुछ खबरें बीबीसी के सोशल मीडिया से भी। बीबीसी साइंस ने एक ट्वीट किया है और इस खबर के मुताबिक साल 2019 में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कई गुना ज्यादा हो जाएगी। और आप मुझे भी ट्वीट कर सकते हैं @BBCSarika पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना ही। We'll be right back.